तो राम राम और गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है हमारा एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा वीक और यहाँ पे हम हैं 9 वीक्स आउट अपने सेट टारगेट से। और एक बात, आज है 14 फरवरी, यानी कि आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है हमारा लेग डे और आज बात करेंगे पोस्चर के बारे में। तो बहुत सारे बिगनर जो मेरे भाई होते हैं वो क्या करेंगे कि जिन्होंने अभी जिम शुरू किया है वो यूट्यूब पे जाएंगे और पोस्चर्स देखेंगे और आके उसी चीज़ को सेम जिम में अप्लाई करेंगे। ये ठीक है, मतलब आप सीख रहे हो कहीं से, ये अच्छी बात है, मगर आपको ना हर एक चीज़ ऐसे फॉलो नहीं करनी, आपको ना किसी को कॉपी नहीं करना है। मतलब जैसे यूट्यूब पे किसी ने बताया है कि आपकी स्क्वाट की पोजीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, आपके पैरों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आप स्क्वाट ऐसे लगाओगे, आपको ऐसे किसी को ना कॉपी नहीं करना है। आपको क्या करना है ना कि आपको जिम में जाना है, आप स्क्वाट लगाओगे और आप वो पोस्चर में लगाओगे, उस पोजीशन में लगाओगे जिस पोजीशन में आपके नीज में पेन नहीं हो रहा है और आप मसल्स अपनी पूरी अच्छे से फील कर पा रहे हो। आपको अपना पोस्चर खुद बनाना पड़ता है, कभी भी किसी को भी देख के कॉपी नहीं करना है। आपको अपना पोस्चर खुद बनाना है, आपको अपनी एक्सरसाइज खुद लगानी है। आपके जॉइंट्स किस पोस्चर में, किस एक्सरसाइज में अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब जिनमें दर्द नहीं हो रहा है जॉइंट्स में, और आप वो मसल अच्छे से फील कर पा रहे हैं जिस मसल के लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये था कुछ पोस्चर के बारे में जितने भी बिगिनर भाई हैं। और हाँ, आप देखेंगे जो एडवांस एथलीट है वो क्या करेंगे ना, वो हल्का फुल्का जर्क लेते हैं, कोई सी भी एक्सरसाइज हो गई वो उसमें हल्का फुल्का जर्क, हटका फुल्का चीटिंग करते हैं ताकि वो अच्छी इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर सके। ये आप लोगों को नहीं करना है, ये बिगिनर लोगों को नहीं करना है। जो अच्छे खासे एथलीट हैं, कम्पीट करते हैं, वो कर सकते हैं अच्छी इंटेंसिटी के लिए। तो यही था, बाकी दिखाता हूँ आपको अपना लेग डे और चलते जिम में। लेके प्रभु का नाम करते हैं दिन की शुरुआत। जय श्री राम, जय हनुमान।
और फिरिश तो क्या ही हो गया, अभी जो हमारा हैमस्ट्रिंग्स का एक सेट था मैंने दिखाया आपको वीडियो में, वो हैमस्ट्रिंग कर्ल लगाते समय इतनी तेज मेरे हैमस्ट्रिंग में पैर में पीछे पेन हुआ दोनों में, ऐसा लग रहा था जैसे टियर हो गया मसल। तो उसके बाद हम कुछ लगा नहीं पाए, एक हल्का सेट लगाया था लेग प्रेस का और उसका काफ रेजिस का, तो यही था वर्कआउट में। और सुबह जो मैंने आपसे बात करी थी स्टार्टिंग में वीडियो के कि हमको पोस्चर अच्छे से वो करना चाहिए, तो उसमें मैंने बस यही समझाया है कि हमको कॉपी नहीं करना, हमको खुद का पोस्चर बनाना है जिस पोस्चर में हमारे जॉइंट्स हमारे मसल्स कंफर्टेबल, जॉइंट्स हमारे कंफर्टेबल है और मसल हमको फील हो रही है जिस मसल के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं। तो यही था, बाकी कल मिलूँगा आपसे कुछ डे की वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, हम लोग 4 वीक्स होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते से हम सिंगल मसल पे आ जाएंगे, सिंगल मसल अटैक करेंगे, और फिर बताता हूँ आपको कल की वीडियो में।